जिस जगह उत्ते 12 सालां तक बरसात दी इक बूंद ना पई होवे, सोचो उस जगह दा, उस मिट्टी दा ते उस धरती दा की हाल होया होवेगा। ना फसलां, ना खाण लई कुछ, ना पीण लई पानी, सिर्फ सोका ही सोका सी। ये पूरी घटना है अफगानिस्तान दी, जिथे कि एक समा सी जदों पूरे 12 सालां तक धरती दे उत्ते एक बूंद भी पानी दी नहीं पई सी, जिस करके अफगानिस्तान दे विच सोका आ गया सी। इस सब तो बाद उस जगह दे उत्ते एक अजिहे महापुरश पहुँच जांदे ने, जिस तो बाद कि उत्थों दे लोकां दी जिंदगी जिहड़ी है कुछ ही पलां दे विच बदल जांदी है। साध संगत जी, जेकर तुसीं चैनल दे उपर नवें आए हो ते अजे तक परला पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां पहलां चैनल नूं सबसक्राइब करो, ते नाल की इस वीडियो नूं कर दिओ वध तों वध शेयर, हर एक नाल कर लिओ इस वीडियो नूं सांझा। एक बार की गल है, जो अफगानिस्तान दे विच तकरीबन 12 सालां तक मीह की एक बूंद भी नहीं पई सी, ते उस जगह दे उत्ते सोका आ गया सी। ना कोई दरख्त बचिया सी, ना कि उस जगह दे उत्ते कोई अजिही कुछ पलां, कुछ कह लो कि थोड़ी जी गज की भी जगह नहीं सी, जिस जगह दे उत्ते थोड़ी जी भी गिली जगह होवे, हर जगह सोका ही सोका। उत्थों दे लोग इन्ने कु ज़्यादा परेशान सी कि उन्हां नूं बस इदां सी कि परमात्मा एक बार इस जगह दे उत्ते मीह पा ही दवे, पर 12 सालां दे विच एक बार भी उस जगह दे उत्ते मीह नहीं पिया। इन्हें बाबा अतर सिंह जी, जो अपनी यात्रा के दौरान फेरी वेले लंघते ने अफगानिस्तान के कोलों, जदों इतों की लंघते कोई जाते हैं तो उतों के लोगों के वलों बाबा अतर सिंह जी के नाल मुलाकात की जाती है, क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि शायद साढ़े दिन जोड़े ने चंगे आने वाले ने, क्योंकि बाबा अतर सिंह जी के चेहरे के उत्ते एक अजिहा नूर से जिसनों वेख के उतों के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि साड़ी हुण तां जिहड़ी मुश्किल आ उसका हल हो ही जाना। बाबा अतर सिंह जी ने बड़े ही प्यार दे नाल, सत्कार दे नाल उन्हां दी मुश्किल सुनी ते हल करन दी भी गल आखी सी। बाबा अतर सिंह जी उस ही जगह दे उत्ते रुक गए, ते उस जगह दे उत्ते उन्होंने अपने साथियों दे नाल मिल के उत्ते कीर्तन करना शुरू किया। बाबा जी ने कीर्तन शुरू करन तो पहला सारे ही पिंड वाले उत्थों दी जगह ते जिन्हें भी लोग से सब नूं ही इकट्ठा कर लिया, ते किया कि जिवें जिवें कीर्तन चलेगा उस तरह तुसीं अपने मन दे विच परमात्मा अगे अरदास करनी है कि हे परमात्मा, जिन्नी सानूं पानी दी लोड़ है उन्नी इत्थे बरसात कर दित्ती जावे। बाबा जी ने यह भी गल कही कि तुसीं सिर्फ उन्ना पानी मंगना है जिन्नी तुहानूं जरूरत है, क्योंकि जरूरत तो ज़्यादा जेकर तुसीं मंग दिओ तां नुकसान तुहाडा ही होना। लोग 12 सालों तो मीह की उड़ीक दे विच सी, तां लोकां ने अरदास करनी शुरू की। इस दौरान बाबा अतर सिंह जी उत्थे कीर्तन कर रहे थे, तां वेखदे ही वेखदे उत्थे बाढ़ आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा उत्थे हड़ जिहड़े ने शुरू हो जाते, इन्नी तेज़ बरसात आती है। इस दे विच तां बाबा जी खुद भी भिग गए, ते नाल की नाल उन्हां दा हारमोनीयम भी जिहड़ा जो भी उन्हां दे साज ते सारे ही संगीत वाली चीज़ां सी सारियां ही उत्थे भिग जांदियां। ते इस दौरान ही बाबा अतर सिंह जी जो ने अखां खोलदे आ पर वह रुकदे ने, सारी संगत उत्थे बैठी जापकारी हुंदी है, ते इस दौरान की कीर्तन जिहड़ी है कीर्तन की समाप्ति की जाती है, ते नाल की नाल शुरू कर दी जाती है अरदास। अरदास शुरू करन तो पहला कि उत्थे मौजूद लोगों के वलों संगतों के वलों बाबा जी नूं कहा जाता है कि बाबा जी जेकर इस तरीके दे नाल की हड़ां वर्गी बरसात पैंदी रही तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी तुसीं कुछ करो ते बारिश नूं हुण रोक दवो। बाबा जी ने अरदास करनी शुरू की, ते नाल की बरसात रुकण दी भी गल जिहड़ी है बाबा जी दे वल्लों अरदास दे विच शामिल की गई। जिस तों बाद तां बाबा जी दे वल्लों जिवें ही अरदास दी समाप्ति की जाती है, तो वेखदे ने कि हुण पाणी जिहड़ा यानी कि जिहड़ी बरसात है रुक चुकी है, ते जो हड़ां वर्गा पाणी वह रहा सी उह पाणी काफ़ी मात्रा दे विच घट चुकिआ है। लोगों के चेहरे के उपर काफ़ी ज़्यादा खुशी सी, क्योंकि उन्होंने 12 सालों के पहली बार एक कह लो कि समान तो पानी दियां बूंदा टपकदियां वेखियां सी। सोका भी खत्म हो गया, तो उत्थे बाबा जी दे जदों चरण पए तो उत्थों दे लोग जिहड़े ने बिल्कुल नदरों निहाल हो गए, उन्हां दे चेहरे की खुशी वेखण वाली सी। खैर तुहाडे की विचार ने बाबा अतर सिंह जी दे बारे कमेंटां दे विच अपने विचारां नूं जरूर सांझे करो, ते नाल की नाल इस वीडियो नूं सब तक पहुँचा दिओ, क्योंकि इन्हां लोकां दे वल्लों एक सबर रख्या गया सी, ते जेकर असीं भी सबर रखांगे तां परमात्मा साडा भी बिड़ा जरूर पार कर देगा। बाकी तुहाडे की विचार ने कमेंटां दे विच दिओ अपने विचारां दी सांझ।